हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे। इसमें हम पैड भी अटैच करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ के लिए सीक्वेंस वर्क में कपड़ा लिया हुआ है। ये मैंने साटन का कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस वर्क में है तो इसमें हम साटन की लाइनिंग लगाएंगे। और ये मैंने आधा मीटर मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है, क्योंकि जब हम पैड वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारे फ्रंट पार्ट में दो लाइनिंग लगती है। तो सबसे पहले हम जो कॉटन की लाइनिंग है उस पर हम मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे, और फिर उसी को रखकर हम जब हमारा जो मेन कपड़ा है और जो साटन है उस पर कट करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। मेजरमेंट ब्लाउज़ का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं साथ में बताती भी रहूँगी आपको। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको देखिए तैयार लेंथ चाहिए उसमें आपको एक इंच प्लस करके लेना है। मुझे 13 इंच देखिए तैयार चाहिए ब्लाउज़ के लिए, तो मैं 14 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये देखिए, और 2.5 इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो आपके भी जितनी लेंथ है उसमें आप 1 इंच प्लस करके लीजिए, और फिर 2.5 इंच आप नीचे फोल्डिंग के लिए ले। इसमें हम बोट नेक बनाएंगे, तो बोट नेक के हिसाब से हम आर्म होल और शोल्डर निकालेंगे अपना। नेक के हिसाब से शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर आप सीख सकते हैं और निकाल सकते हैं अपने शोल्डर आर्म होल। तो मैं बोट नेक बना रही, तो उसके हिसाब से हमारा 7.5 हमारा शोल्डर आएगा और 6.25 हमारा आर्म होल आएगा। तो आपका भी जितना साइज है उसके हिसाब से आप निकाल के तभी आप मार्किंग करें। तो देखिए, मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पर शोल्डर का। क्योंकि जब कॉलर वाला बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और आर्म होल में 6.25 इंच रखूँगी। चेस्ट हमारी 32 है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 आएगा, और प्लस उसमें 1 करेंगे तो 9, तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। इसे सीधा कर लेंगे लाइन को, और इसके बाद हम निशान लगाएंगे वेस्ट का। तो वेस्ट हमारी 28 है, और इसमें हमें 4 से डिवाइड करने पर और फिर 2 इंच प्लस करना है। अगर हम डिवाइड करेंगे 28 को 4 से तो 7 आएगा, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे हम तो 9 आएगा। तो 9 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रिंसेस कट में हमारा कटेगा उसमें कपड़ा हमारा थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हम कमर पर यहाँ पर 2 इंच प्लस कर रहे हैं। और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अब देखिए, प्रिंसेस लाइन का हम मार्किंग करेंगे। तो हम शेप दे देंगे पहले आर्म होल की। ये हमारी जो बैक पार्ट की होती है वो शेप है, और एक शेप हम अंदर देंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट की होगी। देखिए, इसे हम आधा ही अंदर तरफ निशान लगाएंगे और फिर गहराई देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हमें निशान लगाना है डार्ट का 3.5 इंच पर। देखिए, 3.5 पर निशान लगा लिया मैंने। अब देखिए, जो हमारी ऊपर चेस्ट लाइन है और नीचे हमारी जो लेंथ की लाइन है इसको हम नापेंगे, और इसका हमें देखिए सेंटर लेना है। जितना भी हमारा आता है उसका हमें बिल्कुल सेंटर लेना है। मेरा करीब देखिए 8 के करीब आया है मेरा, तो उससे का मैं सेंटर ले लूँगी। किस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, देखिए लाइन खींच लेंगे सीधी। और देखिए, यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। देखिए, ये 2.5 पे निशान लगाना है आपको, और अब देखिए इस पॉइंट को उस पॉइंट से बिल्कुल मिला देना है, और देखिए शेप दे देंगे हम। देखिए, इस तरह से देखिए, ये हमने शेप दे दिया प्रिंसेस लाइन की।
देखिए पहले हमने 3.5 पर निशान लगाया देखिए डार्ट का, और फिर हमने चेस्ट लाइन से और लेंथ की जो मैं नीचे वाली लाइन है इसका हमने सेंटर लेकर निशान लगा लिया, और ऊपर की तरफ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और फिर इनको मिला दिया हमने। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे डार्ट का, देखिए 1.25 इंच पर। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो जो हमारी बैक पार्ट की देखिए हमने गहराई दी है आर्म होल की, तो पहले उस पर कट करेंगे और बाकी हम बाद में कट करेंगे। बैक पार्ट कट करने के बाद देखिए हमने ये वल्स वाली गहराई पे हमें कट करना है, अंदर वाले नहीं करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर ली है, यहाँ देखिए डार्ट का निशान पे हम कट लगा लेंगे। अब देखिए जो हमारी साटन की लाइनिंग है देखिए इसको हम इसके ऊपर रखकर, और देखिए सेम साइज़ की हमने कट कर लिए। और देखिए डार्ट का निशान है इसका हमने निशान लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए अभी से हम कट कर देंगे क्योंकि हमने बैक पार्ट कट कर लिया है, तो अभी से हम कट कर देंगे प्रिंसेस लाइन को। तो पहले हम जो आर्म की गहराई थी वो देंगे, और देखिए इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। अब देखिए इन्हीं को रख के हम जो हमारी साटन की लाइनिंग थी उनके ऊपर रखकर कट कर लेंगे, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इसी को रखकर ये कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिए, देखिए हमने ये भी कट कर लिया है अपने मेन जो हमारा फैब्रिक है ब्लाउज का। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, ऐसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये 4 फोल्ड हो गया है क्योंकि दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए मैं 13 इंच की लेंथ रखूँगी हम स्लीव्स की। और यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पर, हम यहाँ से लेंगे 3 इंच और शेप देंगे। और अब निशान लगाएंगे स्लीव्स की मोरी का, तो मोरी में 5 इंच लूँगी, ऐसे मिला लेंगे। और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन, देखिए एक शेप हम और देंगे जो हमारे फ्रंट स्लीव्स की होगी, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे हम कट कर लेते हैं, देखिए 2 पीस इस तरह से हम इसे उठाएंगे, और जो फ्रंट की हमारी जो गहराई थी वो देंगे हम। देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, तो कटिंग हमारी हो चुकी है, उसको सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारी लाइनिंग है देखिए जो साटन वाली, उन्हें हम अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम अटैच करेंगे। जैसे देखिए बैक पार्ट है, तो इसके ऊपर हम जो लाइनिंग वाला बैक पार्ट है उसको रखेंगे, ये देखिए इस तरह से पिन लगाकर हम इस पर सेट कर लेंगे। और चारों तरफ हम बड़ी सिलाई करके इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हम अस्तर वाले सूट में हम सिलाई लगाते हैं उसी तरह से करना है इसमें। तो जितने भी देखिए पीस हैं इन सब में हमें लाइनिंग अटैच करनी है।
जी अच्छे से आप पिन लगाकर सेट कर ले पहले, और उसके बाद ही आप सिलाई लगाएं। देखिए पिन लगा ले अच्छे से आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है सभी पीसों पर। देखिए लाइनिंग अटैच कर ली है हमने, और अब हमें इन्हें जॉइंट करना है हमको। तो देखिए बताती हूँ किस तरह से जॉइंट करना है आपको। तो सीधा रखेंगे पहले हम, जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा हमारा। ये देखिए ये देखिए, इस तरह से रख कर हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से कुल देखिए हमारा पूरा ही आएगा। ये देखिए इस तरह से हमें अटैच करना है। तो दूसरा पार्ट है देखिए, उसको भी हम इस तरह से अटैच करना स्टार्ट करेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से इनको हम अटैच कर लेंगे। और देखिए जो हमने कॉटन की लाइनिंग कट की थी, इनको भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया, उसी तरह से इसे भी हमें देखिए जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से, तो चलिए जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जॉइंट कर लिया है अपना फ्रंट पार्ट भी। देखिए और ये देखिए हमारा बैक पार्ट है, इसको भी हमने जॉइंट कर लिया। इसमें डार्ट भी डाल लिया हमने पीछे की तरफ। और देखिए जो हमारी ये कॉटन वाली लाइनिंग थी, इसको भी हमने देखिए जॉइंट कर लिया है। और अब देखिए, अब इसे देखिए हम इसके ऊपर रखेंगे, और सिर्फ ऊपर से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए सीधा रखना है आपको ये पार्ट, जो कॉटन वाली लाइनिंग थी। देखिए सीधा हिस्सा होना चाहिए ऊपर की तरफ, और ये उल्टा हिस्सा हमारा दोनों अंदर तरफ होने चाहिए। और सिर्फ ऊपर से हमें अटैच करना है, सिर्फ ऊपर से। देखिए यहाँ सिलाई लगानी है हमें, बाकी हमारा खुला रहेगा। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है ऊपर की तरफ से, ये देखिए। अब इसमें हमें पैर अटैच करने हैं। चलिए सबसे पहले नेक कट करते हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट का नेक कट करेंगे। तो इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो मैं 4.5 इंच में चौड़ाई लूंगी, और लेंथ में 3.5 इंच लूंगी इसकी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी 4.5 लेंगे, जितना हमने ऊपर लिया था। देखिए बॉक्स बना लेंगे और शेप देंगे बोट नेक की। इसे कट कर लेते हैं। और बैक पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह से नेक कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक कट हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, तो देखिए कि दोनों पार्ट ने हमें नेक कट कर लिया है। और अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए दूसरे के ऊपर रखेंगे, और ऊपर से हम देखिए शोल्डर अटैच कर लेंगे इनके। देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर अटैच कर लिए हमने, और अब इसमें हम पैड लगाते हैं पहले। देखिए इसे हम इस तरह से खोलेंगे। तो पैड देखिए हमारी जो कॉटन वाली लाइनिंग है, इसमें अटैच होंगे। इसको देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे से नाप सके। तो ये 32 साइज है। देखिए इसमें हम ऊपर से नापेंगे, 10 इंच पर हम पैड लगाएंगे। देखिए 10 पर निशान लगाएंगे। अगर 32 से ज़्यादा साइज़ होगा, 36 होगा या 38 होगा, तो उस पर हम 10.5 तक लगा सकते हैं निशान। मगर ये 32 साइज़ है, तो इसमें हम
10 पर निशान लगाएंगे, अगर 32 से भी कम है तो आप 9.5 पर निशान लगाए। तो देखिए मैं निशान लगा लिए, अब दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं हम। जहाँ हमारी डार्ट आती है वहीं पे हमारे पैर अटैच होते हैं, तो आप इस जो हमारी डार्ट जहाँ तक आ रही है वहाँ पे भी आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से नाप कर भी कर सकते हैं, बराबर ही आएगा हमारा। अब देखिए जो पैड है इन पे भी हम देखिए निशान लगा लेंगे। देखिए पैड को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके देखिए 20 सेंटर में निशान लगा लेंगे दोनों पैड पे। और अब देखिए जो हमने देखिए निशान लगाया उस निशान पे बिल्कुल हम इस तरह से मिलाएंगे निशान को, और एक पिन लगा लेंगे पहले। देखो देखिए निशान से निशान मिलने चाहिए आपके, देखिए इस तरह से पिन लगा लेंगे और दूसरे पैड को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पिन लगा ली है, देखो इस तरह से हम इसको रख कर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारे देखिए परफेक्ट आ रहे हैं। और अब देखिए हम सिलाई लगा लेंगे, देखिए सीधी जो हमारी डार्ट थी देखिए उसी में बिल्कुल हम देखिए मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और सिर्फ आपको यही सिलाई लगानी है, आपको चारों तरफ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है जैसे मैंने निशान लगाया है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और देखिए अब आपको लाइनिंग देखिए अटैच करनी है इसके साथ। देखिए पहले पिन लगा कर सेट कर ले, उसके बाद आप यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा दे और इस लाइनिंग को अटैच कर दे। देखिए ये हमने सिलाई लगा कर लाइनिंग को अटैच कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा ली है हमने, तो देखिए पैड हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इसका हम नेक रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने ये ओरे पट्टी कट की हुई है, ये मैंने एक लंबी पट्टी देखी रेडी की हुई है जॉइंट करके, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों नेक हम एक साथ बनाने वाले हैं। और ये पट्टी की चौड़ाई मैंने देखी करीब 1.5 इंच ली है। अब इसे हम डबल करेंगे और इसे सीधी साइड से हम अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमारे ये शोल्डर की सिलाई है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे अटैच करना। ये देखिए इस तरह से हम देखिए सीधी साइड से अटैच करते हुए पूरे नेक पर इसे हम अटैच कर लेंगे, डबल करके अटैच करनी है हमें। देखिए इस तरह से हम पूरे देखिए बैक और फ्रंट दोनों नेक पे एक साथ ही हमारा अटैच हो जाएगी देखिए पट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने पूरी पट्टी अटैच कर ली है और यहाँ पूरा घुमा के और यहाँ पर देखिए इस तरह से जॉइंट लगा दिया है और कट भी लगा लिए इसमें। और अब इसे हम देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। और हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे ताकि तुरपाई के बाद उसे हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है और नेक हमारा रेडी हो गया है। और अब इसकी हम देखिए स्लीव्स अटैच करेंगे, देखिए इसे खोलेंगे और स्लीव्स अटैच करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हमारा गहराई वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट में ही आना चाहिए स्लीव्स का। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अटैच करना इस तरह से और इसे पूरे में अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने स्लीव्स पे अटैच कर दी है अपनी, और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो
देखिए हमने मार्क लगा लिया है फिटिंग का, वेस्ट हमारी देखिए 28 है, उसका निशान लगा लिया, और ऊपर से हमारा 32 था, तो वो देखिए हमने उसका भी निशान लगा लिया है और अपनी मोहरी का भी। अब देखिए एक साइड से तो हम पूरी फिटिंग करेंगे और एक साइड से हमें जिप अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ से तो हम पूरा कर लेंगे और यहाँ करीब हम 2 इंच पर देखिए निशान लगा लेंगे, इतनी हम सिलाई लगाएंगे, नीचे से हम खुला छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हम जिप अटैच करेंगे बाद में। तो चलिए इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने फिटिंग कर ली है और ये देखिए हमने यहाँ से खुला छोड़ दिया है 2 इंच सिलने के बाद, और नीचे से भी देखिए हमने इसे पूरा फोल्ड कर दिया है। देखिए अब हमारी सिर्फ जिप रह गई है अटैच करनी, तो चलिए जिप अटैच करते हैं। तो देखिए मैंने जिप ले ली है। अब देखिए जो हमारे फिटिंग का निशान है ये देखिए हमने नीचे तक निशान लगा लिया है अपनी फिटिंग का। देखिए हमें दोनों तरफ देखिए निशान लगा लिया है, और देखिए सीधी साइड से अटैच करेंगे हम जिप को। तो देखिए जो हमें निशान लगाया है जिप को, देखिए हम उल्टा रखेंगे, ये सीधा इस अंदर तरफ रहेगा, और देखिए इस निशान पे इस तरह से रखेंगे इसे, ये देखिए करीब आधा इंच ऊपर तरफ निकाल देंगे हम जिप को, और इस निशान पर रखकर बिल्कुल हम जिप के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इसके पास से लगानी है हमें। तो आप फुट ज़रूर चेंज कर ले उसी के बाद आप जिप अटैच करें। तो चलिए जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है ऊपर तक, वहाँ तक हमें देखिए सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है एक साइड से, और सेम इसी तरह से हम देखिए दूसरी साइड भी रखकर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं दोनों साइड से जिप अटैच कर ली अपनी, और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको बंद करके। ये देखिए कितनी हमारे देखिए सफाई से देखिए जिप अटैच हो गई है, ये इनविजिबल हमने जिप लगाई है। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज देखिए कंप्लीट हो गया है, नीचे से हम तुरपाई कर लेंगे बाद में और नेक पे। तो देखिए हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी हो गया है बनके। मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक पहनने के बाद किस तरह से इसका लुक आएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।